kindly subscribe our channel by clicking the red button. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum nazreen. Nazreen, aap dekh rahe hain Pakistan Pigeon Association channel aur main hu aapka host, aapka dost Faisal Mir. Hamein bahut se messages mausool hue low flyer ke shauk ke liye. Uske liye hum yahan is waqt Arfwala mein एक लाहौर पाकिस्तान के मायानाज लो फ्लायर चैंपियन के घर पे मौजूद हैं इस वक्त, और जिनका नाम सभी जानते हैं, मेरे साथ बैठे हैं इस वक्त, आप भी देख रहे होंगे माशाल्लाह, सलमान शाह गिलानी साहब। तो आज आपको इनके कबूतरों का हम शौक़ भी करवाएंगे, इनसे गपशप भी करेंगे और कोशिश करेंगे इनसे कोई टिप्स भी मिल सकें हमें आपके लिए, जो हम आप तक पहुँचाएँ। आइए इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक, आप अपने सुनाए? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये माशाल्लाह मैंने देखा बहुत अच्छा सेटअप है आपका, बहुत बड़ा सेटअप आपने बनाया हुआ माशाल्लाह, अल्लाह ताला और इज्जत दे। तो ये शौक़ आपको कैसे हुआ? मतलब मैंने देखा है माशाल्लाह सारी पढ़ी लिखी फैमिली है, और पढ़े लिखों में ज़रा रुझान कम ही होता है आजकल, अब बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन आपका शौक़ पुराना है, तो ये कैसे वाकया हो गया? असल में कबूतरबाजी का शौक़ तो मुझे बचपन से ही है। ये 1990-91 में मेरी स्कूल लाइफ में ना, तो यहाँ हमारे गांव में कबूतर रखे हुए थे हमारे इधर एक दो बंदों ने, तो उनके मैं कबूतर देखता था। तो उस वक़्त बचपन लाइफ में मुझे स्कूल में 1 रुपया ख़र्चा मिलता था रोज़ाना, तो मैंने 1 महीने में 30 रुपए इकट्ठे किए माशाल्लाह। और जब मैं उधर स्कूल में बैठा होता था ना, तो वो जो दोस्त होते थे वो मुझे छेड़ते थे कि ये कोई चीज़ खाते पीते नहीं है और बैठे रहते हैं, इनको घर से पैसे नहीं मिलते हैं। तो मैं कहता था यार मुझे भूख नहीं है, मैंने नहीं खाने। तो वो 30 रुपए इकट्ठे करके मैंने एक जोड़ा कबूतरों का ख़रीदा था पहली दफ़ा, तो वहाँ से मैंने शौक़ को स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रैक्टिकली लाइफ में आ गए, तो फिर ये शौक़ जो है आगे आगे बढ़ता गया, वसी होता चला और गया। बहुत ज़्यादा वसी होता गया, और इसको फिर आज अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि इस मुकाम पे बैठे हैं, बहुत अल्लाह ताला ने नाम भी दिया है और बहुत इज्जत है, और भाई सब प्यार भी करते हैं माशाल्लाह जी। और इस शौक़ अब तो काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया हमारा शौक़। नाज़रीन ये शौक़ की इंतहा है बचपन में ही कि खाए पिए बिना स्कूल में सारा दिन रहना और वो पैसे जोड़ के कबूतर ख़रीदना, इंतहा है शौक़ की। अच्छा सर ये बताइएगा कि किस पार्टी से ताल्लुक़ है आपका? जी हमारा एक ग्रुप है गिलानी पिजन ग्रुप के नाम से, और मैं उस ग्रुप का सदर भी हूँ, और ये मेरा अपने नाम से ही मैंने ये ग्रुप बनाया, सलमान शाह गिलानी और गिलानी पिजन ग्रुप हमने बनाया है, और इंशाल्लाह ताला हम इस ग्रुप में भी काफ़ी ज़्यादा हम इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, और काफ़ी हमारे दोस्त मेरे शागिर्द जो हैं वो सब वो हमारे साथ हैं, हमारा ग्रुप है, और ग्रुपिंग में काफ़ी हमारी बाजियां लगती हैं, हम जो शौक़ है वो करते हैं, और ये हमने अपने टोटल दोस्तों को शागिर्दों को एक ग्रुप की शक्ल में दे दिया,
ये हमने अपना एक ग्रुप बना दिया है गिलानी पिजन ग्रुप के नाम से। यानी कि आप लीड कर रहे हैं इस ग्रुप को? जी, हम लीड, मैं खुद लीड कर रहा हूँ और मैं इसको चला रहा हूँ। माशाल्लाह, आप एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं इस वक्त। और मैं, मतलब जब मैंने नाम सुना और जो अचीवमेंट्स मैंने सुनी आपकी, तो मुझे लगा कोई बुज़ुर्ग बंदे होंगे, तो चलो जाके मतलब मिलेंगे। तो यहाँ पे तो मतलब बिल्कुल ही उलट, मतलब देखा, चेंज देखा मैंने कि यहाँ पे तो एक नौजवान बंदा बैठा हुआ है और इतनी ज़्यादा अचीवमेंट लेके, इसके पीछे क्या वजह है? वो एक 2016 का वाकया है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत ही मज़ेदार है कि बावल नगर से एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने हमें, हमारे साथ कॉन्टेक्ट किया कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाएं। वो इधर आए तो वो जब मेरे पास आके बैठे ना, तो वो तकरीबन 60 साल के बंदे थे। तो वो मेरी तरफ़ देख रहे थे, बड़ा अजीब से तरीके से देख रहे थे। तो मैंने कहा बाबा जी खैर है? तो उन्होंने मुझे जो कहा, उन्होंने कहा यार बात ये है कि मैं जब रास्ते में आ रहा था तो सोच रहा था कि वो सलमान शाह गिलानी के पास जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी होगी तो पग बांधी होगी, वो धोती पहनी होगी और बाबा सलमान शाह कोई 65-70 साल का बैठा होगा। तो उसके अल्फाज थे, यार तू तो एक बाल है, इतना तेरा ना है यार। तो मेरे आगे से एक ही अल्फाज थे, ये सब उस अल्लाह ताला का करम है। बेशक जी, बेशक जी, बेशक, ये उसकी मेहरबानी। मुझे भी यकीन करें कि ऐसे ही लगा था कि कोई मतलब अच्छे एजड बुज़ुर्ग के साथ टाइप मतलब होंगे उस्ताद साहब, जो कि मतलब लीड कर रहे हैं एक पूरी ग्रुप को और इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला जी से इज़्ज़त दे। अच्छा उस्ताद जी, ये बताइएगा सलमान भाई के आपके शिगिर्दों का जो दायराकार है वो कहाँ तक फैला हुआ है? देखिए जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मेरे जो शागिर्द हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सिटीज़ में हैं, बाहर भी हैं, शागिर्द काफ़ी हैं। लेकिन जो मेरी कोशिश होती है, मेरा शागिर्द हो, मेरा दोस्त हो, जो मेरा फ्रेंड हो, तो गाइडनेस के हवाले से मैंने कभी फ़र्क नहीं किया। अगर दोस्त भी है तो उसको भी पूरी गाइडनेस, जहाँ भी उसकी कमी है उसको कोशिश की जाती है कि पूरा किया जाए, और शागिर्दों को तो फिर बंदा करता ही है। और ग्रुप में जो भी हमारे साथ बंदा अटैच होता है, हमारी ये कोशिश होती है कि यार इसके शौक़ को ज़्यादा अपग्रेड किया जाए। ठीक है, वो चाहे हमारा शागिर्द है, चाहे दोस्त है, चाहे हमारे दोस्त का दोस्त है, तो हमारी जो कोशिश है वो यही है अभी, शौक़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, अच्छा किया जाए, और लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छा कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत आला जी, बहुत अच्छी सोच है जी, माशाल्लाह आपकी। सपोर्ट करना हर इंसान नहीं करता, क्योंकि जो इंसान एक लेवल पे होता है वो कोशिश करता है कि कोई दूसरा उस लेवल तक ना आए, ताकि उसकी बनी रहे। लेकिन आप माशाल्लाह सबको प्रमोट कर रहे हैं, अपने साथ जुड़े हुए हर इंसान को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, हमारे पास और भी कुछ सवाल आते हैं सलमान भाई से करने के लिए, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि सलमान भाई हमें अपने कबूतरों का शौक़ करवाएं, ताकि आपको कबूतरों का हम शौक़ करवा सकें। उसके बाद फिर हम इनसे जो सवाल हमारे जहन में है वो इनसे पूछेंगे, और कोई इन्फॉर्मेशन भी कोशिश करेंगे ये अगर हमें बताना चाहें तो। जी सर, आप फिर हमारे शायकीन को कोई कबूतरों का शौक़ करवा रहे हैं? जी जी, हम अपने जो बेस्ट ब्रीडर कबूतर हैं उनका अभी शौक़ करवाते हैं, और इंशाल्लाह गाइडेंस के वाले से भी, जो भी हमारी तरफ से तो ये होता है भी, अगर किसी भी भाई का जो भला हो जाए, शौक़ अच्छा हो जाए, हमें सब देख रहे हैं, तो हमारी वजह से अगर किसी का शौक़ अच्छा हो जाए तो हमें इससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं है। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छी सोच है जी, माशाल्लाह जी। नाज़रीन आइए फिर, इनके कबूतर हम भी देखते हैं और आपको भी शौक़ करवाते हैं। ले नाज़रीन आइए, इनके कबूतरों को शौक़ करें जी। अपना सलमान भाई, कौन से कबूतरों को शौक करवा रहे हैं हमारे नाज़रीन? हमारा बेस्ट ब्रीडर है, नारा है और मादी है, इनका शौक करवाने जा रहे हैं ये आँख इसकी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, दूसरी आँख दिखाइएगा। माशाल्लाह जी, पर दिखाइएगा। आपको शौक करवाएंगे एक मादी का जी। आयशा जी, दूसरा पर दिखाइएगा। माशाल्लाह जी, पंजा दिखाइएगा सर इसका। माशाल्लाह जी, बंतर दिखाइएगा सर। टीम 33 वाले को भी सलाम हो गया जी, हमजा कयानी साहब है जी। माशाल्लाह जी,